गुड हाँ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन अहमदाबाद आई थिंक अहमदाबाद में ऐसी कचौरी नहीं मिलती श्योर दैट इज फॉर श्योर बड़ा फूडी अच्छा नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आए राजस्थान नाश्ता हाउस में। यहाँ पर राजस्थान नाश्ता हाउस में फेमस आइटम है वो है कांदा कचौरी, कढ़ी कचौरी, इनका ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची वड़ा। और ये जो क्वालिटी देते हैं वो क्वालिटी आपको अहमदाबाद में कहीं पर नहीं मिलती। क्वालिटी के साथ साथ इनका टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्लीन और हाइजेनिक भी रखते हैं अपने काउंटर को, और सारी चीज़ें वो प्रॉपर सिंक तेल में वो तलते हैं, तो इसके लिए इनका क्वालिटी के बाबत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर इनके पास और क्या क्या वैरायटी है और ये कितने साल से पुराना है इनका राजस्थान नाश्ता हाउस, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में, और जानेंगे कि ये इनकी स्पेशलिटी क्यों है। मान लो कि इनका प्रॉपर राजस्थान का टेस्ट आता है वो कैसा आता है, तो चलिए जानते हैं इनके ओनर से। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे राजस्थानी जो टेस्ट है हाँ। वो सभी गुजरातवासियों को देने का, और जो क्वालिटी मेंटेन हम कर रहे हैं, मतलब मूंगफली शुद्ध मूंगफली के तेल में बना रहे हैं, जो सारे मसाले जो हैं बड़े वाले यूज़ कर रहे हैं, और एक क्वालिटी देने का प्रयास है। हम अपना बेस्ट कस्टमर को देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, और उनको एक अच्छा टेस्ट मिले वो कोशिश है। अभी हमने चार आइटम ही स्टार्टिंग में, चार आइटम है हमारे, कढ़ी कचौरी अजमेर की, प्याज कचौरी है, मिर्ची वड़ा है, और ब्रेड वड़ा है। अभी इनके पास भले ही बहुत चार या तो फिर पांच ही आइटम है, लेकिन आगे धीरे धीरे करके ये सारी आइटम है दूसरी वो भी नई आइटम लाने वाले है। और इनके साथ अभी क्या है कि फैमिली का सपोर्ट है, इसकी वजह से ये अभी ये कर पा रहा है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी फैमिली, इनकी वाइफ, उनका बच्चा, उनकी मम्मी, सभी लोग हैं ना वो इनको हेल्प करवाते हैं, और घर पर ये प्रॉपर बनवाते हैं। जो मसाला है इनका वो पूरा का पूरा मसाला के साथ साथ इनकी जो भी है चटनी या है वो भी घर पर बनाते हैं। इसके लिए इसका जो टेस्ट है वो पूरा घर जैसा है, और प्रॉपर राजस्थान का ऑथेंटिक अगर आपको खाना है तो यहाँ पर तो आपको आना ही पड़ेगा। और मैं ये पक्का बोल देता हूँ कि आपने अगर यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लिया ना, इनका राजस्थानी कढ़ी कचौरी हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, मिर्ची वड़ा हो गया, आप टेस्ट करोगे ना, आप एक बार टेस्ट किया आप बार बार यहाँ पर आओगे ही आओगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि अभी इनका ये जो स्टफिंग कर रहे हैं, ये जो ब्रेड पकौड़ा के लिए और ये मिर्ची वड़ा के लिए, ये भी ये प्रॉपर घर पर ये मसाला बनाते हैं, और फिर यहाँ पर ये फिलिंग करते हैं और कस्टमर को है वो लाइव ही देते हैं। अभी देखिए ये हमारे सामने ही इसको शुरू करेंगे तलना। अभी मैंने आपको जानकारी दी इनके ब्रेड पकौड़े और मिर्ची वड़े के बारे में, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इनके कढ़ी कचौरी और कांदा कचौरी के बारे में, तो वो दोनों है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो गर्मा गर्म ही बनाते हैं और उसको क्या है फ्राइंग में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए इनको प्रॉपर टेस्ट देने के लिए वो सैटरडे संडे अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आप सबसे पहले जाओ, या तो फिर आप कॉल करके बोल दो कि हमारी इतनी कढ़ी कचौरी और कांदा कचौरी आप साइड में रखो, क्योंकि ये प्रॉपर गर्मा गर्म देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर सैटरडे संडे पार्सल भी लोग बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो खाने वाले और पार्सल दोनों की वजह से यहाँ पर सैटरडे संडे को आपको अगर लेट पहुँचते हो तो आपको मिलने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर है वो पार्सल भी बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, क्योंकि इनका राजस्थान नाश्ता उसका टेस्ट है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। 10 कचौरी तो आप यहाँ पर कितनी बार आए अभी तक? 5-6 बार आए। 5-6 बार कैसा लगता है टेस्ट? अच्छा है टेस्ट, एकदम अजमेर जैसा कचौरी। आप यहाँ पर कितनी बार ऐसे आए हो खाने के लिए? मेरा दूसरी बार ही है। दूसरी बार मुझे यहाँ बिल्कुल अजमेर जैसी कढ़ी कचौरी का टेस्ट। अच्छा, जैसा हुआ ओरिजिनल टेस्ट था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट। तो अगर मान लो कि आपको रेटिंग देना हो ये कढ़ी कचौरी को, आपकी अजमेर वाली जो टेस्ट है और यहाँ की जो टेस्ट है, तो आप 1 से 10 में से आप कितना दोगे? अब यार देखो 10 तो मैं नहीं दूंगा। हाँ 10 था मुझको, 8 तक तो चलेगा। अच्छा 8 तक। तो ये था रिव्यू अंकल जी का
तो अगर आपको यहाँ पर राजस्थान का ऑथेंटिक कांदा कचौरी और कढ़ी कचौरी खाना है तो यहाँ पर पहुँच जाना।